न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की गोंडा से। पहली खबर, जहां 5 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कटरा रेलवे स्टेशन के पास बगीचे में मिला शव कल शाम एक व्यक्ति के साथ देखी गई थी। मासूम 5 साल की बच्ची को उसने बताया था अपनी बेटी, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मध्य प्रदेश के दतिया की बताई जा रही है मासूम। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा चौराहे के पास की घटना। आज दिनांक 22/6/2024 को समय करीब 9 बजे नवाबगंज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कटरा रेलवे स्टेशन के पास बगिया में एक 5 वर्षीय बालिका का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल नवाबगंज पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ही फील्ड यूनिट को बुला लिया गया। उनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो वो बताया कि यह बच्ची कल शाम को एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ घूमते हुए पाई गई थी। उन लोगों द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई तो बताया कि मेरी बेटी है। बच्ची से भी बात की गई तो उसने बताया कि ये मेरे पिता हैं। घटनास्थल पे कुछ एक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिसमें उसका पता दतिया का निकल रहा है, मध्य प्रदेश का है। पीलीभीत में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की जान चली गई। परिजनों का आरोप है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। मृतक युवक के मामा ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि मेरे भांजे को लड़की के परिजनों ने जान से मार देने की धमकी दी थी। 21 जून शाम 6 बजे अचानक वो गायब हो गया था। काफी तलाशने के बाद यूकेलिप्टस के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। और यूकेलिप्टस के पेड़ पर भांजे अमित कुमार का शव लटका देख उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मैद खास गांव का एक पूरा मामला। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ युवक ने की खुदकुशी। परिजनों ने देखा तो आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने देखते हुए युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया मानसिक रूप से बीमार था अधेड़। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के DM कॉलोनी इलाके का है। परिवारजनों को क्या बताया? परिवार वालों परिवारजनों ने बताया कि उन्होंने मानसिक रूप से विचलित थे तो इन्होंने अपने आप से फांसी लगाई, यही उनके द्वारा बताया। पीलीभीत में बीते दिनों अपनी ही बेटी के अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले आरोपी पिता और उसके साथी दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करते हुए जेल भेज दिया है। आरोपी पिता ने अपने ही दामाद को अपहरण के मामले में फंसाने के लिए कूट रचित ढंग से 2 जनपदों की पुलिस को गुमराह कर थाने में झूठा केस दर्ज कराया था। घटना थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र की है। इस संबंध में पूरा घटनाक्रम यह है कि दिनांक 12 तारीख को तो पीछे बिटिया के पिताजी खड़े हुए हैं जसकरण सिंह जी। ये अपनी बिटिया को आसाम चौराहा जो पड़ता है पीलीभीत में, वहाँ से पूरनपुर के लिए इन्होंने एक मैजिक गाड़ी में बिठाया था। उसके बाद इनका कहना था कि 6:30 बजे उस बिटिया का फ़ोन आया कि मुझे गढ़वा जाने के लिए, जो इनका पैतृक निवास है गढ़वा खेड़ा चौकी अंतर गुलगाम सपहा, वहाँ जाने के लिए ईको गाड़ी मिल गई है। उसके बाद इनका कहना था कि 8 बजे इनके द्वारा प्रयास किया गया परंतु लड़की से वार्ता नहीं हो पाई तो इनके द्वारा ये सोचा गया कि मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के आरंभ में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। इसको लेकर हरिद्वार प्रेस महकमा तैयारी में जुटा हुआ है। हरिद्वार जिले के SSP प्रवीण सिंह डुबाल ने कांवड़ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान SSP ने कांवड़ पटरी के मार्ग का विशेष ध्यान रखा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। 19 जुलाई से कांवड़ हमारा यात्रा स्टार्ट होनी है, उसको लेके हमारा जो प्लानिंग है उसको किस तरीके से आगे एग्जीक्यूशन करना है उसके लिए एक स्थलीय निरीक्षण आज हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कांवड़ पटरी के साथ साथ जो हमारा मेन हाईवे है वहाँ पर फोर्स का क्या अरेंजमेंट्स होगा और किस तरीके से जो हमारी नए जो चुनौतियाँ जहाँ पर बनी हैं उन पॉइंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके वहाँ पर फोर्स को कितना हमें स्ट्रेंथन करना है उसको लेके एक स्थलीय निरीक्षण हमारे द्वारा आज किया जा रहा है। फिर आज व्यापारियों के साथ एक मीटिंग के बाद जो आगे की जो हमारी रणनीतियां हैं उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पंप हाउस रोड पर बीते दिन देर रात हुई व्यापारी से पिस्टल लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले शातिर 4 लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से एक पिस्टल बरामद कर ली है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान SP सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 जून की रात बबीना के अस्पताल के पीछे वाले व्यापारी कैलाश राव अपने बीज गोदाम को बंद करने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में पंप हाउस के पास बदमाशों ने रोककर धमाके करते हुए और धमकाते हुए उनके लाइसेंसी पिस्टल लूट ली थी। दिनांक 20/6/2024 को समय करीब 10 बजे रात्रि कैलाश साहू जो कस्बा बबीना के रहने वाले हैं ये अपने घर की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान कुछ बदमाशों ने इनको घेर कर इनके साथ मारपीट की तथा इनकी लाइसेंसी पिस्टल छीन ली थी। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष बबीना मौके पर पहुंचे तथा उच्चाधिकारियों को सूचना मिलते ही सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटना में तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन कर केस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। गाजियाबाद के मोदी नगर निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव खिंदौड़ा में धुलड़ी के पप्पू और उनके बेटे राजा और अन्य को गोली मार दी गई। इसके बाद तीनों घायलों को गंग नहर में फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस राजा और अन्य को नहर से निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां राजा को मृत घोषित कर दिया गया जबकि अन्य को दिल्ली के जीटीबी रेफर कर दिया गया है। अभी पप्पू का पता नहीं चला है। गोताखोर पप्पू के शव की गंग नहर में तलाश कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दिनांक 21/6/2024 को थाना निवाड़ी पर रात्रि 11 बजे के आसपास पीआरवी तथा फोन कॉल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार धौलड़ी गांव जो कि थाना जानी में पड़ता है तथा खिंदौड़ा जो कि थाना निवाड़ी में पड़ता है, इसके बीच में जो जोड़ने वाला रास्ता है बम्बे के किनारे, वहां पे एक लड़के को कुछ गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। जब घटनास्थल पर थाना पुलिस तथा फील्ड यूनिट इत्यादि पहुँची तो यह ज्ञात हुआ कि धौलड़ी के रहने वाले तीन व्यक्ति, पप्पू जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी, राजा 26 वर्षीय तथा चांद 22 वर्षीय युवक, ये तीनों खिंदौड़ा गांव के ही क्षेत्र में पड़ने वाले एक बाग से दूसरे बाग में रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास बम्बे के किनारे वाले रास्ते से बाइक से जा रहे थे और इन पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग से जो व्यक्ति चांद है इसको कुछ गोलियां लगी, जिसको पास में उपस्थित लोगों द्वारा और तत्काल थाना पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल में एडमिट कराया गया। डायरेक्ट सवारा के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि थाना टीला मोड़ क्षेत्र के आशीर्वाद ग्रीन की दूसरी तरफ लोनी भोपुरा रोड पर सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थिति में एक डेड बॉडी पड़ी मिली है। तत्कालीन पुलिस द्वारा पहुंचकर फील्ड यूनिट को बुलाते हुए इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए अज्ञात मृतक की उम्र करीब 30 साल के लगभग बताई जा रही है। टीमों का गठन करते हुए शिनाख्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 22 जून 2024 को डायल 112 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीलामोड़ क्षेत्र के आशीर्वाद ग्रीन्स की दूसरी तरफ लोनी भोपुरा रोड पर सड़क किनारे गर्दन कटी हुई परिस्थिति में एक डेड बॉडी पड़ी है। तत्काल ही पुलिस द्वारा पहुंचकर फील्ड यूनिट को बुलाते हुए इसकी फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई। पंचायतनामा की कार्रवाई कराते हुए इस अज्ञात मृतक युवक उम्र करीब 30 वर्ष की शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। टीमों का गठन करके मृतक की शिनाख्त हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिले के सभी थानों में हुआ समाधान दिवस का आयोजन। एसपी ने थाना हरदत्त नगर गिरंट में फरियादियों की सुनी समस्याएं। सभी थानों में कुल 141 प्राप्त प्रार्थना पत्र अधिकारियों को मिले हैं। 120 प्रार्थना पत्र राजस्व से, 21 प्रार्थना पत्र पुलिस से संबंधित, 7 प्रार्थना पत्र का मौके पर निस्तारण किया गया। समस्याओं को तत्काल गुणवत्ता परक निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। समाधान दिवस के दौरान नायब तहसीलदार हल्का लेखपाल सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। इटावा में स्टेट बैंक के फील्ड मैनेजर की पत्नी के साथ तमंचे के नोक पर लूट करने वाले 3 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुए तीनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 3 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, लूटे मोबाइल फोन, अंगूठी, 5,000 रुपये की नकदी बरामद करते हुए। बदमाश मैनपुरी कन्नौज जनपद के निवासी हैं। पहले चौबिया में, उसके बाद बसरेहर में 3 वारदात एक ही मोटरसाइकिल द्वारा की गई थी और जो भी रोड पर चल रहा था उस समय उनसे मोबाइल ले लेते थे और कुछ पैसे जो उनके पास होते थे या कोई ज्वेलरी होती थी उसे ले लेते थे, अंगूठी और कुछ कैश और मोबाइल, 3 मोबाइल छीने गए थे। इस संबंध में 392 IPC का मुकदमा जो है 2 चौबिया में तथा 1 बसरेहर में दर्ज किया गया था। फिरोजाबाद के शोकाबाद नगर के मैनपुर रोड स्थित पानी की टंकी के पास एक 70 साल के साधु की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैनपुर रोड स्थित पानी की टंकी के पास कप्तान सिंह रहते थे, उनके साथ उनके भाई राधेश्याम साधु उम्र 70 साल जिला इटावा में रहते थे। शनिवार सुबह के समय पानी की टंकी के पास उनका शव मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मेरा नाम राम रतन है, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ और ये मेरे साले ये नगला बाबा थाना सैफई पोस्ट कुया कैसे रहने वाले हैं। कैसे एक्सपायर हो गए? अब ये मालूम नहीं था, मैं तो था नहीं यहाँ पे, जो कहे मुझे तो अभी बुलाया गया तो मैंने पहचाना है इनको। पुलिस मौके पे है क्या? हाँ पुलिस मौके पे है।
महाराजगंज के परियारा थाना क्षेत्र में धान रोपाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि खेत में करंट उतरा जिसकी चपेट में आने से जगदीप किसान की मौत हो गई, वहीं पत्नी की हालत गंभीर है। बस्ती जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। पर इस समय प्रदेश में कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो कम हुई है, यही कारण है कि कुछ आताताई उत्तर प्रदेश में अशांति व्यवस्था कायम करना चाह रहे हैं। जो प्रदेश शांति रूप से चल रहा है, इसी में आज बस्ती जनपद के एक फजल अशरफ नाम के युवक मिलत नगर कोतवाली थाना अंतर्गत पीलीभीत के सहरामो में मोबाइल चार्ज को लेकर विवाद में एक युवक की जान चली गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने पहले आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके बाद पुलिस पर देर रात आरोपी को छोड़ने का भी आरोप लगा है। रूस में गोंडा के युवक की मौत का मामला सामने आया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के हस्तक्षेप के बाद मृतक का शव देर रात गोंडा पहुंचा, जहां परिजनों ने शव को सुपुर्द खाक किया। बता दें कि मृतक युवक बीते 6 दिसंबर को भारतीय एजेंट के माध्यम से काम करने के लिए गया हुआ था। रबीउल्लाह एजेंट उसको भेजे थे, कह रहे थे कि मैं कौन सी कंपनी का नाम है बुलावा नहीं, वो कह रहे थे किसी दूसरी कंपनी का नाम है, बीटका में सरकारी कंपनी है, वो बीटका में बुलाएंगे तुम्हारे लड़के को, हम भेजेंगे। और उन्होंने हमसे 1.5 लाख रुपया ले लिया और बुलावा कंपनी में भेज दिया वहाँ भी। और हाँ, जब हम वहाँ हमारा लड़का फ़ोन किया और कहने लगा कि पप्पा हमको बहुत यहाँ परेशानी हो रही है, हमसे 9 घंटे की जगह पर काम 16 घंटा 17 घंटा लिया जा रहा है, खाना तौल के मिलता है केवल। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मृतक औरंगजेब के घर पहुंचा, जहां उन्होंने आरोपियों पर एनएससी और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। बीते 18 जून को चोरी के आरोप में औरंगजेब को मौत के घाट उतार दिया गया था। अफजलगढ़ में एक युवक ने जन्मदिन के मौके पर धार्मिक स्थल पर ले जाने के बहाने पत्नी को गोली मार दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। घर आकर पत्नी के गायब होने का नाटक रच दिया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं शव घर पहुंचने पर गमगीन माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।